एंड आज का जो विषय है आपका वो है आपका एक विशेष टर्मिनोलॉजी से है। टर्मिनोलॉजी से मतलब हम लोग जॉब बनाएंगे, चाहे आपके टर्नर वाले हों, मशीनिस्ट वाले हों आपके, चाहे फिटर वाले हों, तो मेजरमेंट सिस्टम होता है। मेजरमेंट सिस्टम में वो चीज़ जो क्या क्या पॉइंट आते हैं उनके बारे में बताने जा रहे हैं आपको। जब हम जॉब को चेक करते हैं, ठीक है, चाहे वो जॉब आपका इंटरनल डाया हो किसी का या आउटर डाया हो, सारी जॉब चेक किए जाते हैं, तो उनमें क्या है, हमें डायमेंशनली देखना पड़ता है। तो जॉबों के अंदर क्या क्या डायमेंशन होती है, जॉबों को मेल फीमेल फिट करने के लिए कितना वेरिएशन रखा जाता है, ये सब जो है चीज़ जो है चेक करने वाले हैं हम, आपको बताने वाले हैं कि ये चीज़ क्या क्या होती हैं, आपका मेजरमेंट क्या होता है, लिमिट फिट टॉलरेंस क्या होती है, मानक विचलन क्या होता है, स्टैंडर्ड विचलन क्या होता है, उनमें वेरिएशन क्या होता है, उसके बारे में आप आसानी से सीख लीजिए, फिर आपको आने वाले एग्जाम में आपको बहुत ही सुविधा होने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले आता है माप। माप मतलब होता है मेजरमेंट करना। जैसे आप जानते हैं कि कोई भी वस्तु बनाते हैं, किसी प्रकार की वस्तु हो, कोई जाब हो, तो मेजरमेंट हम मैन होता है। मेजरमेंट में क्या होता है, आपकी लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, मोटाई है, वो सारा क्या होता है, चीज़ का मेजरमेंट होता है। जैसे कोई पुलिस में भर्ती होता है या किसी आर्मी भर्ती होता है, तो उसका मेजरमेंट किया जाता है। किससे किया जाता है, उसकी हाइट से किया जाता है, उसके चेस्ट से किया जाता है, उसके वजन से किया जाता है, उसकी आई विजन देखा जाता है, उसका जो है लॉजिक देखा जाता है, सारी चीज़ें क्या होती है, एक तरह से मेजरमेंट होता है। तो ऐसी कोई जॉब बनाया जाता है, जॉब को बनाने के लिए भी हमको डिफरेंट टाइप के मेजरमेंट करने बहुत ही आवश्यक है, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। माप अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इसको मेजरमेंट। तो इसमें क्या बताया गया कि वह इकाई जिसके द्वारा किसी जाब की मोटाई, चौड़ाई, लंबाई और व्यास को ज्ञात किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, मेजरमेंट कहते हैं। जैसे आप समझ सकते हो एग्जाम्पल फोर, जैसे कोई हमारे पास ये कोई ब्लॉक है, इस टाइप का ब्लॉक है, ठीक है, तो हमने ये ब्लॉक बनाया, इस टाइप से बना रहे हम, ठीक है, इसमें हमने एक ब्लॉक बनाया, ये इस टाइप से बनाया, ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, तो आप देख रहे हैं ड्राइंग के अकॉर्डिंग ये बॉक्स बन गया। ये तो इस बॉक्स में क्या है, आपकी लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी, ऊंचाई भी होगी और उसकी मोटाई भी होगी, ठीक है। तो इसमें आपकी ये ऊंचाई हो सकती है, ये आपकी इसकी लंबाई हो सकती है, ये इसकी चौड़ाई हो सकती है, ठीक है, और ये जो आप देख रहे हैं बॉक्स का यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें ये मोटाई इसकी हो सकती है, ठीक। जैसे क्यूब होता है, तो क्यूब में आपके 6 साइड है उसकी, जैसे उसमें ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई सब आप उसमें मेजरमेंट कर सकते हैं। तो मेजरमेंट क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई, पर्दों पे बेसिक साइज, आपको पूरे बता भी चुके हैं बेसिक साइज क्या होता है। बेसिक मतलब होता है, बेस मतलब होता है आधार। जैसे कोई मकान बनाते हैं तो सबसे पहले नींव भरी जाती है, नींव भरने के बाद उसके ऊपर हमारा मकान बनता है, और ड्राइंग पहले ही फॉलो की जाती है, हैं, उसमें क्या रूम कौन सा होगा, किचन कौन सी होगी आपकी, कंप्यूटर रूम कौन सा होगा, पूजा का कक्ष कौन सा होगा, तो सारा क्या मेजरमेंट करते हैं बेस पे, ठीक है। तो इसमें बेस क्या होता है, वह माप जिसे आधार मान करके सभी प्रकार के लिमिट साइज निर्धारित की जाते हैं, उसे बेसिक साइज कहते हैं। कहने का अर्थ है कि जब हमारा जॉब बनता है तो जॉब पर क्या करते हैं, जैसे अभी आप लोग जॉब बना रहे हैं, ठीक है, कितने का जॉब है, 40 का, 40 में साइज में हमने आपको बताया स्टेप टर्निंग करनी है, ठीक है, उसमें आपको एक लंबाई, एक डाया, फिर सेकेंड लंबाई, सेकेंड डाया, थर्ड लंबाई, थर्ड डाया, इस टाइप से है, डिफरेंट टाइप के उसमें साइज आपको दिए हैं। तो आधार कारीगर जो साइज को बनाता है जॉब के ऊपर, वो उसका वास्तविक साइज कहलाता है, लेकिन वो भी चीज़ सब क्या है, एक लिमिट के अंदर ही होती है। अगला है नंबर 4 पे विचलन। विचलन मतलब डेविएशन। जॉब के बेसिक या वास्तविक साइज या अधिकतम और न्यूनतम साइज के बीच में जो बीजगणित अंतर को जो है क्या कहलाता है, विचलन कहलाता है। विचलन उसका डेविएशन कितना है। जैसे कि आपको मैंने एक बार साइज बताया था कि अधिकतम और न्यूनतम साइज में जो बीजगणित योग होता है उसको क्या बोला जाता है, विचलन बोला जाता है। अर्थात मान लीजिए कोई साइज हमने 40 हमको आपको दिया, ठीक है, अब हमने 40 जो है माइनस में हमने 0.2 बनाया और हमने प्लस में 0.02 बना दिया, ऊपर जो है प्लस, नीचे भी, नीचे माइनस, तो साइज क्या बनेगा आपका, एक तो बनेगा 40.02 बनेगा, एक साइज बनेगा आपका 39.98 बनेगा। अब यहाँ से लेके यहाँ से कि बीच में जो है अधिकतम साइज न्यूनतम साइज के बीच में जो अंतर है वो उसका कैलकुलेशन किस में आएगी आपकी, उसका विचलन यानी उसका डेविएशन। क्यों डेविएशन क्यों है कि हम जो भी, ऐसा नहीं है कि हम जो है 39.80 बनाएंगे, बट उसमें हम यहाँ इन दोनों के सबके बीच में आप जॉब बना सकते हो, साइज को मेंशन करना पड़ेगा आपको, पूरा वेरिएशन में कभी जॉब नहीं बनाएंगे। जॉब बनाएंगे तो वेरिएशन आपको 20 माइक्रोन का ही रखना है, 0.02 का ही वेरिएशन रखना हो, इससे ज़्यादा वेरिएशन नहीं रखेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया विचलन। अच्छा विचलन क्या है, विचलन भी आपका दो टाइप का होता है, ठीक है, जैसे बताया था मैंने आपको, एक लिमिट में हाई लिमिट होती है, एक लो लिमिट होती है, उसी तरह से विचलन भी दो तरह का होता है। पहला आता है उच्चतर विचलन यानी कि हाई मैक्सिमम, अधिकतम साइज लिमिट और बेसिक साइज के बीच में जो बीजगणित अंतर होता है उसे उच्चतम विचलन
कहते हैं। समझ लीजिए कि ये कह रहा है कि अधिकतम साइज लिमिट, इस साइज का अधिकतम लिमिट साइज है और बेसिक साइज के बीच में जो बीजगणित अंतर होगा, जैसे कि आपका अधिकतम साइज लिमिट का क्या है, मान लीजिए हमारा मैक्सिमम साइज 40.02 है, ठीक। और कह रहा है बेसिक साइज के बीच में जो अंतर है, मान लीजिए 02 साइज है 0.02, लेकिन कारीगर ने क्या बनाया 40 बना दिया पूरा पूरा, तो अधिकतम साइज कितना चला गया 0.02 तक, ठीक। तो इसके बीच में जो वेरिएशन होता है उस चीज को क्या बोलते हैं हम, उच्चतम विचलन। अब इसके बाद में आता है निम्नतम वाला। निम्नतम वाले में कैसा होता है, जैसे कि लो लिमिट, ये होगी एक तरह से हाई लिमिट या लो लिमिट, उस टाइप से ये विचलन क्या हुआ, न्यूनतम लिमिट साइज। अर्थात न्यूनतम लिमिट साइज क्या, जैसे आप जॉब देख रहे हैं, न्यूनतम क्या है इसमें 39.98 साइज, इसका ये नीचे डाउन वाला साइज है, सबसे जो है जो आपके जो आपको क्या दिया लिमिट दी है उसके अंदर ये साइज है, सबसे डाउन में क्या है 39.98। तो ये कह रहा है न्यूनतम में न्यूनतम लिमिट साइज और बेसिक साइज में जो बीजगणित अंतर होता है उसे निम्नतम विचलन कहते हैं। अर्थात साइज बेसिक क्या था तुम्हारा 40, बेसिक क्या था 40 था और डाउन में क्या बनाया आपने 39.98 बनाया, तो कितने का वेरिएशन हुआ 0.02 का। तो ये क्या, ये कहलाएगा आपका न्यूनतम विचलन। जैसे कि आप समझ रहे हैं 40 आपका बेस हो गया, ठीक है, और साइज आपने लास्ट में जो मैंने आपको टॉलरेंस दी तो आपने बनाया साइज 39.98। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ से ये 0.02 का यहाँ पे वेरिएशन हो गया। इस चीज को क्या बोलेंगे वेरिएशन को, इसे कहेंगे हम निम्नतम विचलन, ठीक है। अगला नंबर आता है 5 पे, शून्य रेखा जीरो लाइन। ये जीरो लाइन क्या होती है, ड्राइंग पर दिखाई गई मुख्य रेखा होती है जिस पर सभी छूट और सीमाएं प्रदर्शित की जाती हैं। इसके ऊपर ही उच्चतम और निम्नतम विचलन दिखाए जाते हैं, ये बेसिक साइज का प्रतीक होती है। कहने का अर्थ है कि जो शून्य रेखा होती है, जैसे कि मान लीजिए हमने कोई जॉब बनाया, ठीक है, इस जॉब की ये सेंटर लाइन हो गई। जरूरी नहीं है कि आप हम गोल जॉब बना रहे हैं, चौकोर जॉब बना सकते हैं, आपका फ्लैट जॉब फिटर वाला भी बना सकते हैं, टर्नर वाला भी, मशीनिस्ट वाला भी, एज ए जो भी हो सकता है, ठीक है। तो शून्य रेखा उसमें कौन सी होगी, शून्य रेखा होगी कि जो आपका हमारा जॉब है, मान लीजिए जॉब का डाया कितना 40 का, ठीक। अब 40 वाला डाया है तो 40 वाला डाया क्या करेंगे, शून्य रेखा कहाँ पे होगी, जहाँ पे हमारे साइज ऊपर नीचे मेंशन होंगे। अर्थात बेसिक साइज है आपका 40, तो 40 के मान लीजिए तो बेसिक लाइन मान लीजिए यहाँ पर लगा दी हमने। अब आपने क्या करना है, इसी वाले साइज को प्लस ही बनाएंगे और माइनस ही बनाएंगे, तो ये आधार माना जाएगा जो शून्य रेखा होती है, इसमें सारे साइज ऊपर नीचे रन करते हैं आपको, तो ये कहलाती है आपकी शून्य रेखा। मौलिक विचलन, दोनों में जिस एक को शून्य रेखा से संबंधित टॉलरेंस जोन की स्थिति स्पष्ट करने के लिए आसानी से चुना जाता है उसे मौलिक विचलन कहते हैं। इसको आप ध्यान समझ लीजिए, इसमें की जाइए है दो विचलनों में जिस एक को शून्य रेखा से संबंधित टॉलरेंस मानते हैं, जैसे कि शून्य रेखा से क्या, जैसे अभी आपने जॉब देखा, यहाँ पे जॉब बनाया मैंने, ये इसमें हमारा 40 वाला साइज था, यहाँ पे हमने शून्य रेखा मानी। अभी कह रहा शून्य रेखा से मान लीजिए साइज आपका प्लस में चला गया आपका 39, माइनस में चला गया 30.98 साइज चला गया। अब क्या है, 40 का था बेस था, शून्य रेखा थी, जीरो जीरो लाइन थी, जहाँ से ऊपर नीचे साइज मेंशन कर रहे थे, तो नीचे आप चले गए, कहाँ से गए आप नीचे, शून्य रेखा से, ये बेस लाइन से नीचे गए ना, तो 39.98 वाला साइज है आपका बेस लाइन से नीचे चला गया, ठीक है। तो यही क्या कहलाएगा इसका, यही कहलाएगा इसका मौलिक विचलन। चाहे वो मौलिक विचलन आप कैसे ले सकते हैं, चाहे आप शून्य रेखा से प्लस में ले लें या उसको शून्य रेखा से माइनस में ले लें, यानी वन साइड लेना उसको, जीरो लाइन से वन साइड लेना है, तो उसका वो मौलिक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाएगा, ठीक है। उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन में आपके कई साइज हो सकते हैं, मान लीजिए कि 39.98 साइज है, ठीक है, तो 39.8 से वो 98 की बजाय 99 भी हो सकता है, 995 भी हो सकता है, 9902 हो सकता है, अर्थात एक माइक्रोन दो माइक्रोन का वेरिएशन हो सकता है। वो तब पता लगेगा हमको, जब पता लगेगा जब हम डिजिटल माइक्रोमीटर डिजिटल बर्नियर कैलिपर इन चीज़ों से हम कोई डायमेंशन चेक करेंगे तभी हमें पता लगेगा, अन्यथा हम साधारण माइक्रोमीटर और साधारण बर्नियर कैलिपर से इनका वेरिएशन को पता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डिस्प्ले में पूरा पूरा दिखता है हमको जो साइज आता है उसमें। साफ क्या होती है आप जानते हैं, भारतीय मान्य पद्धति, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड जो सिस्टम है के अनुसार साफ शब्द का प्रयोग उन सभी आकृतियों के लिए करते हैं जो फिट होती हैं, अर्थात जिनकी बाहरी आकृति होती है और यह गोल वृत्ताकार वर्गाकार किसी भी सेक्शन की हो सकती हैं। यह साफ्ट होती है, आपने देखा होगा
कि हमारे पास ट्रैक्टर है, हम सामान्य रूप से जैसे ट्रैक्टर है या फिर फोर व्हीलर है या टू व्हीलर है, देखा होगा कि आपने शाफ्ट किस टाइप की होती है, जैसे कि ये है आपका, मैंने रोड दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है, ये कोई ये चीज है होल वाली आपकी, तो इसमें ये एंट्री करती है। अब जरूरी नहीं आपकी गोल में भी हो सकती है शाफ्ट, ये आपकी शाफ्ट क्या है चौकोर में भी हो सकती है, इसमें चार कॉलम हो सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। व्हाट इज द होल, होल क्या है, होल शब्द का प्रयोग उन आकृतियों के लिए करते हैं जिसके अंदर सुराख होता है, चाहे वह सुराख किसी भी आकृति का हो, वृत्ताकार हो, वर्गाकार हो या आयताकार हो, ठीक है। वही बात है, जैसे कि आपका ये मेल पार्ट है तो ये फीमेल पार्ट है, ये आपका चोकर भी हो सकता है, शाफ्ट आपकी चोकर भी होती है और आपके गोल भी होती है, तो उसमें मेल फीमेल पार्ट में आपस में रन करते हैं। जैसे आप हमारे पास थ्रेसर होता है, देखा होगा आपने, थ्रेसर में मेल फीमेल पार्ट होते हैं, उसमें स्प्लाइन कटी होती है इस टाइप से, स्प्लाइन तीली कटी होती है इस टाइप से, एक आपके जो है ये शाफ्ट होती है, शाफ्ट के साथ में उसके अंदर आपके मेल फीमेल पार्ट होता है, उसके अंदर भी स्प्लाइन कटी होती है, फिर देखा होगा आपने उनको मेल फीमेल फिट करते हैं, ये फिट करते हैं तो आप देखो थ्रेसर घूमता है, यहाँ पे हम गेहूं की निकासी करते हैं, ठीक है, तो उसी टाइप से शाफ्ट किसी टाइप में भी हो सकती है वर्क के अकॉर्डिंग। अगला आता है नंबर 9 पे आता है टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या होती है, अधिकतम लिमिट साइज, न्यूनतम लिमिट साइज के अंतर को टॉलरेंस कहते हैं, ये आपको इंग्लिश बोलेंगे हाई लिमिट लो लिमिट का जो अंतर होता है, ठीक है, हाई लिमिट लो लिमिट का जो अंतर होता है वो क्या कहलाता है आपका, टॉलरेंस, जिसके बीच में जो हम बनाते हैं वो साइज कुछ भी हो सकता है, बट उसमें ज्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए, साइज है तो 20 माइक्रोन या 10 माइक्रोन जो कंपनी मांगती है या कंपनी अकॉर्डिंग हमको साइज चाहिए वही वेरिएशन रखा जाता है। जैसे पूर्व मैंने साइज बताया आपको 40.02 और डाउन में बताया आपको 39.98, तो जरूरी है हम 98 से लेके 04 तक साइज बनाएंगे, नहीं, जितना उसने मांगा 10 माइक्रोन वेरिएशन मांगा है तो साइज को 40.02 बनाएंगे और साइज को 40.01 तक ही बनाएंगे। 10 माइक्रोन वेरिएशन चाहिए, बीच में 40.005 आ रहा, 008 आ रहा, यानी कि 1 माइक्रोन 2 माइक्रोन का फर्क आ रहा, वो कोई बात नहीं है, लेकिन 10 माइक्रोन तक वैल्यू चाहिए, 10 माइक्रोन तक ही साइज को बनाना पड़ेगा। अब चलाता है आपका टॉलरेंस जोन, अधिकतम साइज लिमिट और न्यूनतम साइज लिमिट को जो घिरा क्षेत्र होता है उसको टॉलरेंस जोन कहते हैं, इसकी स्थिति शून्य रेखा से स्पर्श की जाती है। भारतीय मानक पद्धति में 25 प्रकार की टॉलरेंस होती है, जो आपको मैं वीडियो में अगली वीडियो में बताऊंगा किस प्रकार टॉलरेंस होती है, टॉलरेंस के अकॉर्डिंग ही क्या होता है साइज दिए जाते हैं, कोई शाफ्ट का साइज होता है उसमें कितना साइज रखा जाता है, होल का साइज है उसमें साइज कितना रखा जाता है, ग्राइंडिंग वाला ऑपरेशन है तो उसमें टॉलरेंस कितनी दी जाएगी, जो साइज खाली ब्लैंक में आपको फिट करना है उसमें साइज अलग दिया जाता है, और हाई फिनिशिंग, कई तरह की फिनिशिंग होती है आपकी, ग्राइंडिंग होती है, हॉर्निंग होती है, लैपिंग होती है, इन सब अवस्थाओं में आपके टॉलरेंस जोन अलग अलग होते हैं, साइज को फिनिश कितना रखना क्या रखना उसमें साइज अलग दिया जाता है, कई साइज माइनस में रखे जाते हैं, कहीं पर साइज प्लस में रखे जाते हैं, वही टॉलरेंस होती है, उसके आधार पर आपको अगले वीडियो बताएंगे कितनी प्रकार की टॉलरेंस होती है, ठीक है। अगला नंबर आता है एक्चुअल डिवीजन, कारीगर द्वारा तैयार की गई जाप के माप को वास्तविक माप या एक्चुअल साइज कहते हैं। मैंने बताया था कि जो आप जाओ बना रहे हो, जो आपको साइज दिया है उस साइज के अंदर जो आपने जो बनाया वो आपका एक्चुअल वास्तविक साइज हो गया, ठीक है, और एक्चुअल साइज वास्तविक माप या बेसिक साइज के बीच में ही होता है, जो बेसिक साइज दिया है मैंने आपको, ठीक है, जो बेसिक साइज मैंने 40 दिया या आपको 30 दिया, 30 साइज प्लस 02 दिया माइनस 02 दिया, आपने उसे पीछे बनाया तो आपको एक्चुअल साइज कहलाएगा। उसके बाद में आ गया आपका लिमिट ऑफ साइज, कारीगर को जाप तैयार करने के लिए अधिकतम और न्यूनतम साइज की जो सीमा होती है उसे लिमिट ऑफ साइज कहते हैं। पता है कुछ चीज़ों में ब्लैंक साइज में क्या होता है, ब्लैंक साइज में निर्धारित होता है कि आप इतने साइज इतना रखा जाता है, क्यों, क्योंकि वो जॉब जो है कोई भी ब्लैंक रोड होती है शाफ्ट होती है वो आपके टर्नर पर या मिलिंग ऑपरेशन पर होने के बाद वो जाती है सीएनसी पे, तो क्या होता है उसमें एक वेरिएशन रखा जाता है कि इन द लास्ट वो चीज़ क्या नाम है वहाँ जाके इतना साइज रखेंगे हम, उसके बाद भी साइज उसका प्रॉपर नहीं होता, जैसे कि आपने ब्लैंक बनाया, ब्लैंक के बाद आपका सीएनसी भी चला गया, सीएनसी भी जाने के बाद हो सकता है उसमें ग्राइंडिंग हो, ग्राइंडिंग इज द लास्ट ऑपरेशन, तो ग्राइंडिंग होता है तो फिर उसमें मार्जिन रखा जाता है, कोई साइज दिया हमने 40 का ब्लैंक साइज दिया आपको, ठीक है, अब साइज बनते बनते वो 39.98 तक बनना है तो क्या होगा वो साइज प्लस रखा जाएगा ब्लैंक पर, कितना रखा जाएगा 40.1 रखा जाएगा, फिर वो कटेगा, कटने के बाद वो तुम जो है तो 40 बना के दोगे, 40 बनने के बाद वो जाएगा फिर सीएनसी पे, सीएनसी पे वो एकदम उसको क्या करेंगे वो 40.01 तक बनाएंगे, फिनिश करके बनाएंगे एक तरफ से, फिनिश कर लेंगे उसके बाद फाइनली जब जो बने ग्राइंडिंग बनना है तो ग्राइंडिंग में भी कुछ मार्जिन रखेंगे, यानी साइज को प्लस 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 रखना है और इन द लास्ट में जब फाइनली बनना है तो वहां तक उसको मार्जिन दिया जाता है, ठीक है। अगला आता है इसमें अधिकतम लिमिट साइज, दो लिमिट साइजों में अधिकतम साइज होता है उसे अधिकतम लिमिट साइज
कहते हैं, यानी कि लिमिट साइज कोई भी है उसमें मैक्सिमम कितना हम ले सकते हैं, 40 से या 38 साइज बनाना है हमने, 38 से 102 बनाना है, 05 बनाना है, उसकी रेंज कहाँ तक है, उसको कहाँ तक उसको फिट बनाना है। देखा होगा आपने मेल फीमेल पार्ट्स होते हैं तो उसमें देखा कुछ, देखा होगा आपने, आप लोग यहाँ काम कर रहे हैं तो जो भी पिले होती है ज़्यादा, तो पिले आपकी क्या है, आपको किस पर निर्भर कर रही है, वेरिएशन ज़्यादा रखा आपने साइज को, ज़्यादा या तो ओपन कर दिया है आपने, या आपने बेस था आपका 40 का और आपने साइज बना दिया 0 लास्ट में बिल्कुल फाइनल बना दिया, यानी कि 40.03 या 04 बना दिया तो ओपन हो गया, तो उससे पिले ज़्यादा हो जाएगी। 40.02 बनाएंगे तो साइज मेल फेल एकदम से फिट बैठेगा, और फिट बैठने से क्या है उससे पिले होने के चांसेस नहीं रहते हैं। ठीक है, फिर आता है अगला 14वां नंबर पे, न्यूनतम लिमिट साइज। दो लिमिट साइजों में जो न्यूनतम साइज होता है उसे न्यूनतम लिमिट साइज कहते हैं। कोई भी साइज हम बना रहे हैं, साइज बनाने के बाद देखा होगा आपने साइज बनाते बनाते हमारा साइज रिजेक्ट ना हो जाए, पीस फिट भी हो जाए, ये मतलब नहीं कि लिमिट साइज न्यूनतम साइज बना दिया हमने तो आपका हमारा दी एंड हो गया, ऐसा नहीं होता है। हम लिमिट के अंदर ही बनाएंगे, साइज शुरू करेंगे 30 से शुरू करेंगे, 30.05 बनाए या हम 29.95 बनाए, तो वो साइज आपको दिया बनाने के लिए, उसका बीच में साइज बनाएंगे वो 82 साइज हो गया। अब उसके बीच में आपने न्यूनतम कितना बना रहे हो आप, 30.95 बना रहे हो आप, ठीक है, या 94 बना रहे, तो आपका न्यूनतम साइज हो गया। ठीक है, लेकिन वो भी जब आपके फिट हो जाएगा, क्यों फिट हो जाएगा, क्योंकि उसकी फिट होने की अपनी कैटेगरी अलग अलग है। ब्लैंक साइज है तो इतना चलेगा, ग्राइंडिंग साइज है तो नहीं चलेगा, क्यों, आपको वहाँ बैरिंग ठोकना है तो बैरिंग तो एकदम फ्लो हो जाएगा आपका, बैरिंग आर पार हो जाएगा, उसमें बैरिंग उसके बॉक्स में लगेगा ही नहीं। ठीक है, तो हर चीज़ का अपना एक यूनिक चीज़ होती है कि उसको हमें कहाँ फिट करना है, किस प्रकार से भरना है। ठीक है, वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।